वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल डूइंग वेल। और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक आई लुक लेके आई हूँ जो बहुत ही ज़्यादा डिसेंट और अच्छा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो बहुत ज़्यादा हैवी आई मेकअप नहीं अच्छा लगेगा। और कल ईद है तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए आई लुक। और ये आई लुक बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आप कोई भी ड्रेस वेयर करेंगे तो उस पर मैच होगा बहुत अच्छे से और अच्छा लगेगा। तो चलिए देखते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और बेल आइकन हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने यहाँ पे MN का फाउंडेशन लिया है और यहाँ पे मैंने कोई भी कंसीलर नहीं यूज़ किया है क्योंकि ये अच्छी कवरेज देता है। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे फाउंडेशन यूज़ किया है और मैं इसे अपनी आईज़ पे लगा लूँगी। और आप चाहें तो कंसीलर का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने ज़्यादा कंसीलर और फाउंडेशन ये सब नहीं लगाया है, सिर्फ फाउंडेशन का यूज़ किया है मैंने। और मैं इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी अपनी आईज़ पे। और ये कवरेज अच्छी देता है इसलिए मैंने ये वाला फाउंडेशन लिया है MN का। और इस तरीके से अपनी आईज़ पे लगा लेंगे दोनों आईज़ पे। और मैंने यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड किया है और आप चाहें तो ब्रश से भी आप इसे ब्लेंड कर सकते हैं। और अब मैंने यहाँ पे ये लूज़ पाउडर लिया है, ये ऑयल फ्री है तो कीप कलर का और बहुत अच्छा है ये और काफ़ी अच्छा सेट करता है ये। तो मैंने अपने फाउंडेशन को सेट करने के लिए लूज़ पाउडर लिया है। और मैंने फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से इसे अप्लाई किया है। और अब मैं यहाँ पे ये स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ और उससे मैं ये वाली आई शेडो में से ये वाला कलर ले रही हूँ आई शेडो पैलेट में से। और थोड़ा सा कलर लेके मैं अपनी क्रीज़ के ऊपर इसे ब्लेंड करूँगी। इस तरीके से आपको आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की तरफ इसे ब्लेंड करना है इस तरीके से। और थोड़ा थोड़ा सा कलर लेके आपको इस तरीके से ब्लेंड करना है। आपको दो तीन बार में थोड़ा थोड़ा सा कलर लेके इसे ब्लेंड करना है अच्छे से। और मैंने अपनी दोनों आईज़ पे इसे लगा लिया है और इस तरीके से मैं थोड़ा अपनी क्रीज़ के नीचे भी इसे ब्लेंड करूँगी। बहुत सिंपल और बहुत डिसेंट सा ये आई लुक है, ज़्यादा हैवी आई लुक नहीं है बहुत ज़्यादा। और उसके बाद मैं ये वाला शिमर आई शेडो ले रही हूँ, ये पिंक कलर का है और इसे मैं अपनी क्रीज़ पे लगाऊंगी फिंगर की हेल्प से। और पिंक कलर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आप कोई भी अगर ड्रेस वेयर करते हैं तो उस पर बहुत अच्छे से मैच होगा ये। कोई भी कलर की आप ड्रेस वेयर करेंगे उस पर बहुत अच्छे से ये आई लुक जाएगा, इसीलिए मैंने ये पिंक कलर लिया है शिमर वाला। और मैं इस तरीके से अपनी दोनों आईज पे इसे अप्लाई कर लूँगी। और ये शिमर शेड फिंगर की हेल्प से बहुत अच्छे से लगता है तो इसलिए मैंने फिंगर से ही इसे अप्लाई किया है। और उसके बाद मैं ADS का मस्कारा लेके अपनी आई लैशेस पे लगाऊंगी। मैंने यहाँ पे कोई भी आईलाइनर नहीं लगाया, सिर्फ सिंपल सा आई लुक रखा है ईद पे, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है तो ज़्यादा हैवी नहीं अच्छा लगेगा। सिंपल सा रखा है जो अच्छा भी लगे और आपकी आईज़ भी अच्छी लगें। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ मस्कारा यूज़ किया है। आप चाहें तो आईलाइनर भी लगा सकते हैं बट मैंने ये आई लुक सिर्फ मस्कारा यूज़ किया है इसमें और आईलाइनर नहीं यूज़ किया है। तो इस तरीके से लगा लेंगे। इसके बाद मैंने ADS का काजल लिया है और हल्का सा काजल मैंने लगाया है, बहुत ज़्यादा डार्क काजल नहीं लगाया है, सिर्फ थोड़ा हल्का हल्का सा लगाया है आई लुक और अच्छा लगे इसलिए।
इस तरीके से मैंने हल्का हल्का सा लगा लिया अपनी दोनों आईज़ पे, और मैंने इसमें स्मच नहीं किया है ब्रश की हेल्प से, सिर्फ मैंने इसे अप्लाई किया है हल्का हल्का सा। उसके बाद मैंने आई शेडो पैलेट में से मैंने ये शेड लिया है हाईलाइट करने के लिए। आप चाहें तो हाईलाइट कर सकते हैं, क्योंकि हाईलाइट करने से आई लुक ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट किया है और ब्रा बोन पे हाईलाइट किया है इस तरीके से, तो इससे आपका आई लुक और अच्छा आएगा। आप हल्का हल्का सा हाईलाइट कर सकते हैं। और मेरा आई लुक कंप्लीट हो गया है, और ये रहा मेरा फाइनल लुक। आप देख सकते हैं बहुत ही लाइट कलर मैंने यूज़ किया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। जब आप इसे करेंगे और कोई भी ड्रेस वेयर करेंगे तो ये सब पे अच्छा लगेगा। तो आप ज़रूर कीजिएगा इस बार ईद में, और मेरी तरफ़ से सभी को ईद मुबारक। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।